हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग को मतलब जैसे पहाड़ी इलाका का सफ़र कराएंगे। तो अभी शुरुआत में देख सकते हैं, जैसे पटकाई कॉलेज का सामने में एक ब्रिज है, आप लोग नहीं देखे होंगे, और यहाँ पे एक पहाड़ है, उसको दिखा के शुरू करते हैं आगे कुइमा रोड के लिए। और ये है स्विस गेट, जो झरना पानी से पानी आते हुए यहाँ पर जो स्विस गेट आप लोग देख रहे हैं, तो ये स्विस गेट है। और इसका ठीक इस पर में देख सकते हैं पटकाई जाने वाला रोड, काफ़ी अच्छा से बना के रखे हुए आप लोग देख सकते हैं। और ये पहाड़ के अंदर से हम लोग जाने वाले हैं। आज आप लोग को कुछ अच्छा मज़ेदार वीडियो दिखाएंगे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में और आपको अच्छा से दिखाएंगे। ये कोयमा से आते हुए गाड़ी आपको दिखाई दे रहे होंगे, चलिए मेरे साथ में बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको जो एक साइनबोर्ड जो दिखा रहा है, वो मतलब ये मिजुफिमा कोयमा, यहाँ से मतलब ये कोयमा 54 किलोमीटर है और मोन 84 किलोमीटर है और इम्पल 188 किलोमीटर है। सो यहाँ पे जो पहले पास चेकिंग होता था, जैसे एंट्री पास नागालैंड के लिए, वो पास चेकिंग का जगह है। ये जो साइनबोर्ड जो लगाया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे चेकिंग होता था। आसपास में सब फ्रूट्स का दुकान है। तो आप लोग बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे कि चेक पोस्ट का जगह टू कैसा है, जो कोयमा आए होंगे वही देखे होंगे, दूसरा तो नहीं देखे होंगे। सो आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ऐसा बहुत कुछ आज दिखाने वाला है, चलिए मेरे साथ में बने रहिए। और अभी हम लोग पहाड़ी इलाका में मतलब पहुँच चुके हैं, अभी जितना आगे जाएंगे सब पहाड़ी इलाका देखने को मिलेगा और जगह का भी सुंदर है, अच्छा से देखिएगा। तो गाइस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहाड़ी इलाका के अंदर में एक टूल गेट बना रहा है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा है, जो मतलब यहाँ से जो सामान नागालैंड में जो एंट्री करेगा उसका ट्रैक्स के लिए बना रहा है, जिसको बोलते हैं टूल गेट। सो देख सकते हैं, और काफ़ी दूर से ले रहा हूँ क्योंकि पूरा एरिया आपको नज़र आ जाए। और ये पीछे में जो हम लोग वहाँ पीछे से जो आए हैं, ये पीछे का तरफ हो गया, ये आपको कुकी दोलोंग विलेज है और व्यूज़ काफ़ी सुंदर है, रोड काफ़ी क्लीन है, बहुत सुंदर है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, आगे आप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। अभी सिर्फ नागालैंड का अंदर में जैसे टूल गेट में पहुँचा है, देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग मतलब कुकी दोलोंग पार करके आगे के आया हुआ है ICR के अंदर में, तो देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये रोड से हम लोग आए हुए हैं, अभी बारिश गिर रहा है इसके लिए कैमरा भी पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। और यहाँ से मिजुफिमा 5 किलोमीटर है, जिसको घास पानी बोलते हैं, 5 किलोमीटर है। और दूर दूर तक पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं, व्यूज काफ़ी सुंदर है, इसलिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। जगह देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, बहुत ही नाइस प्लेस है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट प्लेस है। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे ये जगह टू, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है और ICR का ठीक सामने है। चलिए बने रहिए, आगे आप लोग को बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। तो गाइस मेरा कहने के हिसाब से अभी हम लोग मिजुफिमा पहुँचे नहीं है, थोड़ी देर बाकी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जैसे मिटुन रिसर्च सेंटर, जैसे ये मिटुन रिसर्च सेंटर है, तो देख सकते काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत ही क्यूट से और बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। ये मिटुन रिसर्च सेंटर है, तो यह अब लोग मतलब बहुत दूर आ चुके हैं, जैसे डिमापुर से अभी मिजुफिमा पहुँचने में कुछ ही टाइम लगेगा। तो देख सकते हैं ये मिटुन रिसर्च सेंटर है, मैं थोड़ा दूर से ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पूरा क्लियर नज़र आए इसके लिए। तो मेरे साथ में बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी सुंदर होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो एक बार आपको ये बोर्ड भी दिखा देते हैं,
ठीक है, देख लिए, देख सकते हैं जैसे मिथुन रिसर्च सेंटर है और इसका एंट्री है, एंट्री काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं। और अभी अभी आपको जाके आगे भी दिखाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, आज मैं अपने के तो मिथुन रिसर्च सेंटर लगा भीतर लगा अलग सलब व्यूज तो दिखाई दीब अपने तो साइसना नहीं नजाने। हाय गाइस, कैसे? तो आज मैं अभी आपको फिर एक बार दिखाते हैं, जैसे हम बीबू से सॉरी मैं कोयमा से आते हुए यहाँ पे जो कोयमा का मिजोफीमा में जो मैं गया था मिथुन का रिसर्च सेंटर और फॉरम में, तो आते हुए मुझे एक ब्रिज मिला। सो देख सकते हैं ब्रिज काफ़ी अच्छा है और डबल है, बहुत ही क्यूट से बहुत सुंदर है। और रोड का भी व्यूज़ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, ऊपर में पहाड़ है और नीचे में जैसे एक ब्रिज है, एक ऊपर में है एक नीचे में। सो ये दिमापुर जाने वाला रोड है और इस तरफ से कोयमा जाने वाला रोड है। सो थैंक यू। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में नहर है, नदी है, तो यही नदी का ऊपर में ब्रिज है, तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि ब्रिज तो नदी का ही होता है। सो थैंक यू। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक पहाड़ है, काफ़ी सुंदर है। और आप लोग मतलब कभी नहीं आए होंगे तो मेरे चैनल के द्वारा देख सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जगह भी काफ़ी सुंदर है और ऊपर में एक बिल्कुल बिना मतलब पेड़ पौधा का एक पहाड़ है। सो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, क्यूट है, नाइस है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहा होगा, ये कोयमा वाला रोड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। और जगह काफ़ी सुंदर है, इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ। तो अभी लगभग मैं सेकंड गेट पहुँचने वाला हूँ, या फल फ्रूट का दुकान है जहाँ पे मतलब ये फर्स्ट का चेकिंग होता था, उसी जगह मैं पहुँचने वाला है। सो थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक में जो भी फॉलोवर्स है, प्लीज़ कृपया करके मेरा वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा फॉलोवर जो भी मेरा पूरा हो चुका है, अभी सिर्फ मेरा मतलब टाइमिंग जैसे वर्स्ट टाइम मेरा पूरा होने में बाकी है, जो 60,000 सेकेंड मिनट जो पूरा करना है उसको मतलब पूरा करना बाकी है। बाकी मेरा फॉलोवर्स 5.8 के हो चुका है, तो कृपया करके आप लोग मेरा वीडियो को जितना तो हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा और देखने का मौका दीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी आप लोग को बहुत सारा ऐसा जगह दिखाने वाला हूँ। अभी देख सकते हैं बाइक में बैठ के आपको वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ये कोयमा रोड है और आगे आपको दिखाया था जिससे मिजोफीमा वाला सॉरी ये कुकी दुलंग वाला रोड है और ये दिमापुर जाने वाला रोड है। तो कृपया करके मेरा फेसबुक पेज में जो भी मेरा फ्रेंड्स है आप लोग कृपया कर मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप लोग को ऐसा अच्छा अच्छा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखने से आप लोग को मेरा ये मिनट का जो सिस्टम है पूरा हो जाएगा और उसके बाद में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप लोग को फिर बाहर भी लेके जाने वाले हैं, नेपाल, काठमांडू, तो ये वीडियो अच्छा से देखिएगा।